सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा स्किन के फंक्शंस के बारे में। स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। आपको लगता होगा कि बॉडी का कोई और पार्ट हो, जैसे कि आई है, ईयर है, तो उसके फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन स्किन जो बाहर से दिखती है उसके क्या फंक्शंस होंगे? लेकिन इसके फंक्शंस बहुत ही डिटेल में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमें जो विटामिन डी मिलता है वो स्किन के जरिए मिलता है। अगर विटामिन डी ना बने तो कैल्शियम नहीं बनेगा और कैल्शियम के बिना बोन की स्ट्रेंथ नहीं रहती है। ऐसे कई सारे फंक्शंस जो स्किन के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। स्किन के फंक्शंस के बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, कुछ सब्सक्राइबर्स ने, कुछ व्यूअर्स ने वो देखा भी होगा, लेकिन वही दिन मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसी आई कि इसमें ऑडियो प्रॉब्लम है। तो वो वीडियो डिलीट करके फिर से यही टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको समझने में, सुनने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ इस जो स्किन के फंक्शंस है उसके पॉइंट्स के बारे में, उसके मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ। उसके फंक्शंस में आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, सिंथेसिस, स्टोरेज, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ वाटर, और उसके बाद एक्सक्रेटरी और एब्जॉर्प्शन फंक्शन। ये सारे जो फंक्शंस है मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अब डिटेल में मैं आपको फंक्शन के जो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फंक्शन लेते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी कि ये हमें बचाता है बाहर के एटमॉस्फेयर से हो या फिर स्किन के कॉन्टेक्ट में ऐसी कोई चीज आई हो जो हमारे बॉडी को नुकसान कर रही हो, तो स्किन हमें वो चीजों से बचाता है। जैसे कि बाहर के एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया होता ही है, असंख्य बैक्टीरिया होता है, हरदम हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में वो आता है, लेकिन स्किन में जो पसीना होता है उसमें लाइसोजोम करके एक तत्व सीक्रेट होता है और ये लाइसोजोम बैक्टीरिया को मार देता है। सोचिए, ये लाइसोजोम करके अगर तत्व सीक्रेट ना होता तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया रहते और हम कई सारे बीमारी के शिकार बनते। ये तो एक छोटा फंक्शन हुआ, ऐसे कई सारे फंक्शंस आगे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके जो दूसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन है उसमें ये टॉक्सिक सब्सटेंस हो, जैसे कि एसिड हो, अल्कलाइन हो, तो उससे नुकसान नहीं होने देता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन में लेते हैं कि यूवी रेज, जो सन से जो रेज आता है, जो डायरेक्ट स्किन पर जो रेज पड़ते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में पड़े तो हमें उससे बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे कि कैंसर हो सकता है, प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि जितनी एज हमारी हो उससे ज़्यादा बूढ़ी लगती है, पिगमेंटेशन हो सकता है, सनबर्न हो सकता है। लेकिन स्किन काम क्या करती है कि वो जो यूवी रेज है उससे नुकसान ना हो उसका पूरा ट्राई करती है। जैसे कि स्किन का जो बाहर का लेयर है, जो सन के ज़्यादा एक्सपोजर में रहता है, उसका वो लेयर थिक हो जाता है, और जो स्किन के जो सेवन लेयर्स है उसमें जो फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर है वहाँ मेलेनिन होता है, और मेलेनिन का प्रोडक्शन वो स्किन अपने आप बढ़ा देती है, और वो जो मेलेनिन है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो होता क्या है कि जो यूवी रेज से जो नुकसान होने वाला था वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी को नुकसान होने से वो बचाता है। उसका दूसरा फंक्शन लेते हैं सेंसरी फंक्शन, यानी कि सेंसेशन का फंक्शन। जो हमारी स्किन है उसमें नर्व एंडिंग्स होते हैं और उसके जरिए जो हमें पता चलता है, जैसे कि टच हो, पेन हो यानी कि दर्द, प्रेशर और टेम्परेचर, ठंडा है या फिर गर्म, ये जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो हमें अनुभव होता है वो नर्व एंडिंग्स के जरिए होता है और वो स्किन में होता है। इसलिए स्किन का फंक्शन हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नर्व एंडिंग्स ना होती तो हमें ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर गर्म पानी है उसमें आपने हाथ डाल दिया तो आप तुरंत निकाल लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्किन में नर्व एंडिंग्स है उसके जरिए वो मैसेज ब्रेन में जाता है और ब्रेन से वो रिटर्न मैसेज हैंड पर आता है और आप हाथ तुरंत निकाल लेते हैं। अगर ऐसा ना होता, अगर वो मैसेज ब्रेन तक जाने में और आने में अगर उसमें टाइम लगता तो आप जल जाते और आपको वो बॉडी में वो नुकसान होता। लेकिन ये स्किन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो नर्व एंडिंग्स है उसके जरिए ये सारा जो हमें अनुभव होता है, टच है, पेन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसका हमें पता चलता है और ये हमें फायदा रूप होता है। उसके बाद का फंक्शन लेते हैं स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि जो स्किन हमें बाहर से दिखती है उसमें स्टोर करने की भी कैपेसिटी है, जैसे कि फैट हो, वाटर हो, क्लोराइड हो या फिर शुगर हो, ऐसी चीज़ें वो स्टोर भी कर सकती हैं। उसके अलावा वहाँ की जो स्किन के नीचे से जो ब्लड वेसल्स जाती है, खून की नली जाती है, उसे डायलेट करके
ज्यादा खून स्टोर करने की भी कैपेसिटी वो स्किन में है। उसके बाद का फंक्शन लेते हैं, सिंथेसाइज फंक्शन। सिंथेसाइज यानी कि बनाना। स्किन ऐसा क्या बनाती है, ऐसा क्या सिंथेसाइज उसका फंक्शन है? उसका फंक्शन ये है कि जो सन से रेज आता है उससे स्किन विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी बनने के कारण हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है और कैल्शियम जो बोन है उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही जरूरी है। सोचिए, विटामिन डी ना होता तो फिर बोन की स्ट्रेंथ कहाँ से आती? इसलिए स्किन का जो सिंथेसाइज फंक्शन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विटामिन डी का मेन सोर्स है वो सन से जो रेस आता है वहाँ से स्किन बनाती है। वो खाने पीने से विटामिन डी का बहुत ही कम मात्रा में उसका सोर्स हमें मिलता है। उसके बाद का फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, वो स्किन मेंटेन करने का पूरा ट्राई करती है। जैसे कि आप 50 डिग्री सेल्सियस वाले कंट्री में रहते हो या फिर माइनस डिग्री वाले कंट्री में रहते हो, हमारा जो ह्यूमन का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक ही टाइप का रहता है। उसे बाहर के एटमोसफेयर के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। स्किन ये टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ही पूरा ट्राई करती है और उसका एक फंक्शन है। जैसे कि अगर बॉडी में हीट बढ़ गई हो तो वो हीट लॉस कर देता है, और अगर बॉडी को हीट की ज़रूरत हो तो वो कंजर्व करती है, उसे संग्रह करती है। ऐसे करके ये जो बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो मेंटेन करने में स्किन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे ही आपने समझा रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर मेंटेन करती है, वैसे ही उसके बाद का फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर। जो हमारे बॉडी का वाटर लेवल है उसे भी स्किन मेंटेन करने में पूरा ट्राई करती है। जैसे कि जब अंदर वाटर लेवल बढ़ जाए तब वो पसीना के जरिए वाटर है, सॉल्ट्स हैं, उसे लॉस कर देती है और वो अंदर का जो जितना मेंटेन रहना चाहिए वो मेंटेन करती है। कभी क्या होता है कि स्किन हमारी ड्राई हो जाती है जब वाटर लेवल कम होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ड्राई स्किन होती है हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं और अंदर का जो वाटर लेवल है वो फिर से मेंटेन हो जाता है। ऐसे स्किन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो टेम्परेचर मेंटेन करती है और ये वाटर लेवल मेंटेन करती है। उसके बाद का फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि जो बॉडी को हार्म करता है, जो हमारे बॉडी को ना चाहिए वो स्किन निकाल देती है, ये हुआ उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन। जैसे कि यूरिया हो, फैटी सब्सटेंस हो, ऐसे कुछ सॉल्ट्स हो, वो स्किन निकाल देती है और हमारे बॉडी को हार्म होने से बचाती है। उसके बाद जो फंक्शन आता है वो है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन करना। जैसे कि कोई स्किन का हमें डिजीज होता है या फिर कोई दर्द होता है तो डॉक्टर क्रीम देते हैं, ऑइंटमेंट्स देते हैं, तो जैसे हम स्किन पर लगाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो इफेक्ट करता है, हमारा स्किन का डिजीज ठीक होता है या फिर और कोई तकलीफ के लिए हमने जो लगाया है वो इफेक्ट करता है। अगर ये ना करता तो फिर हमारे जो स्किन के डिजीज होते वो ठीक कैसे हो पाते, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। ये जो 8 पॉइंट्स हुए ये स्किन के फंक्शंस थे। उसके साथ मैं ऐड करूंगा कि अंदर स्वेट ग्लैंड है जो पसीना के जरिए रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ वाटर वो करती है। उसके अलावा एक सीबासियस, एक ऑयली ग्लैंड होती है जो हमारी स्किन को स्मूथ रखती है, ऑयली रखती है। ये भी स्किन का एक फंक्शन हुआ कि हमारी जो स्किन स्मूथ रहती है, ऑयली रहती है, वो अंदर एक ग्लैंड होती है सीबासियस ग्लैंड, उसके जरिए। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई स्किन के फंक्शंस के बारे में। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो था स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में, अगर वो आपने ना देखा हो तो वो भी आप देख लीजिए। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, और किसी को काम आएगा। अगर आपके फ्रेंड्स में, कोई रिलेटिव्स में, कोई एकेडमिक फील्ड में, कोई मेडिकल लाइन में पढ़ रहे हो तो उसको भी शेयर करिए, उसको ये थियोरेटिकल काम आएगा। मुझे कमेंट करिए कोई भी क्वेरी हो, मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, मुझे मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।